अपने आप की वो कराएगा, तो मुझे पूरा यकीन है इट इज गोना बी अ वन हेल ऑफ अ गेम, वन हेल ऑफ अ गेम। और मुझे पूरा यकीन है जिस जिस वजह से बुमराह फेमस है उसी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम भी फेमस है, मार धाड़ में, मार धाड़ के अंदर ही बुमराह की विकेटें हैं। अगर वो विकेटें ले गया भाई साहब, अगर वो दो विकेटें ले गया तो फिर मैं देखता हूं ये 227 है इंग्लैंड का जी। और ये 241 जो है इसमें देखिए कितना अंतर होगा, कितना फर्क होता है, ये आप देख लेंगे, ये आप देख लेंगे, यही इंडिया टीम फंसा देगी इनको। और ये आसान टोटल नहीं है भाई, ये बिल्कुल आसान टोटल नहीं, ये बिल्कुल भाई। आज फिर जिस तरीके का टोटल है छोटा सा, क्या आज फाइनल में फाइनली हम शमी को ओपनिंग करते हुए देखेंगे या नहीं देखेंगे? यार अगर ओपनिंग नहीं करता तो क्विक चेंज, फर्स्ट चेंज, जल्दी चेंज में जरूर आ जाए जी, जी। क्योंकि दो नए बॉल है, वैसे ही दो नए बॉल का मतलब है वो चार ओवरों बाद ही नया बॉल कर रहा है। अगर आठ ओवर हो जाते हैं, चार चार भी करते हैं फास्ट बॉलर, तो वो चौथा ही नया बॉल कर रहा है। अगेन अगर आपको नेसेसिटी लगती है, आपको नेसेसरी लगता है, तो शामी को विदाउट डिले प्लीज ले आइए उसको और आप अटैक पे जाइए। हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू अटैक, बट टू टेक विकेट्स। और हिंदुस्तान को यही करना है, किसी भी लम्हे रोहित शर्मा को टिमेट नहीं देखना, बिकॉज आपने ये 10 आउट करने ही करने। दिस इज सिंपल एज दैट। अटैक को ऑन रखना है, वही जो आकाश भाई कहते हैं हमेशा, भाई आप 40 ओवरों के बॉलर्स हो, सारे 40 ओवर करो ना यार, और जी तो मैच खत्म करो बात। बिल्कुल। और टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में जब भी पहले बैटिंग करी है और बाद में बॉलिंग करने उतरे हैं, तो एक्चुअली ऑन एन एवरेज 40 ओवर में ही गेम को खत्म किया है। तो यहां पर टीम इंडिया के पास एक और अपॉर्चुनिटी है उस स्टैट को बरकरार रखने की और ऑस्ट्रेलिया का पुलिंदा 240 से पहले बांधने की। अभी चलते हैं सीधे अहमदाबाद। अहमदाबाद से हमारे साथ कपिल भाई वहां से जुड़ रहे हैं। कपिल भाई हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वहां पर हमारे साथ हैं। पास से उन्होंने ये मैच देखा, टीम जो जितना भी जो ऑडियंस थी उनको उम्मीद थोड़े से और बड़े ज्यादा स्कोर की थी। कपिल भाई 240 का स्कोर, और अभी मैं मिचेल स्टार्क की भी बातें आपको बता दूं, मिचेल स्टार्क ने कहा है कि इट वॉजेंट ईजी टू बैट ऑन, बैटिंग यहां पर ईजी नहीं है, और रोहित, विराट और केएल राहुल ने बढ़िया पारी खेली है। आपका असेसमेंट क्या है पिच का और किस तरीके का माहौल है अभी भी दर्शकों में? देखिए अगर आप ज्ञानी जनों की गुणी जनों की बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको इस सिचुएशन फेस करनी होगी। जो बात शोएब भाई कह रहे थे पहले दिन से, जो बात आकाश कह रहे थे, ये ठीक है कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में इसी तरह का क्रिकेट खेला है तो उनकी आलोचना तो अब क्या की जाए, उन्होंने कमाल ही किया है पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गेंदबाज का भी सम्मान नहीं कर रहे हो तो कम से कम वर्ल्ड कप फाइनल का तो कर लो। शाहिद अफरीदी में और रोहित शर्मा में बहुत फर्क है। जी। अब बॉल इधर जा रही है, मुंह उधर जा रहा है, बैट इधर जा रहा है, ये रोहित शर्मा ऐसे आउट होते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। छक्का भी अभी आपने मारा है, कोई जरूरत ही नहीं थी, 550 थोड़ी बनाने थे आज, 350 ही बनाने थे, 300 बनाने थे। तो वो रोहित शर्मा ने डिसअपॉइंट किया, पहली बात। दूसरा ये जो विकेट है, ऑस्ट्रेलिया बहुत जबरदस्त प्लान के साथ उतरा, बॉलिंग प्लान उनका शानदार था, जहां हमको बॉल चाहिए होती है एक बॉल नहीं दी उन्होंने। आप देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी और जैसा आकाश ने बताया उंगलियां फेरी, विकेट को समझा, अच्छा उन्होंने किया। विकेट मुश्किल है बात सही है, लेकिन स्कोर इतना कम है, मुझे लग रहा है 35 रन कम से कम रह गए, मुझे लग रहा है स्कोर इतना कम है कि वो दबाव तभी बन पाएगा जब शमी या बुमराह पैड पे मार देंगे बहुत जल्दी जल्दी। आकाश कह रहे थे 40-44 पे दो, मुझे लग रहा है 3-4 करनी पड़ेंगी वरना बहुत जल्दी प्रेशर हट जाएगा। बिल्कुल। और बिल्कुल अगर सेमीफाइनल की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर साउथ अफ्रीका से जब सेमीफाइनल खेला था तो वहां पर भी एक छोटे स्कोर पर